वेट में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसे होता है किसी चीज को हल्के में ना ले आओ। जैसे मैंने साइंस को लिया और साइंस में इसको कभी ऐसे हम क्या हाई हाई चले जाते हैं। सेकंड ग्रेड में मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या लगता है कि ऐसा पेपर थोड़ी ना आता है, अपन बहुत टफ को लेके चलते हैं। कई बार इजी आ जाता है तो हम उसमें मात खा जाते हैं। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का बहुत टफ पेपर आया। इनको देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ, रेट में तो बेसिक ही आया था, तो इनको इन पेपर्स को देने के बाद मुझे फील हुआ कि किसी भी चीज को हल्के में भी नहीं लो कि बहुत ईजी है तो उसको पढ़ना ही नहीं है, ऐसे नहीं करना है। एग्जाम एक ऐसा आप मान सकते हो कि इस उस ऐसा जो इन्वायरमेंट होता है उस दिन का, कि आप बहुत कुछ नॉलेज आपको है लेकिन आप कितना कुछ वहां दे पा रहे हो, ठीक है ना। उस नॉलेज, वो 3 घंटे में आप उस नॉलेज को कितना दिखा पा रहे हो, शो कितना कर पा रहे हो, है ना, वो जरूरी है। यही तो एग्जाम देने की, मैंने कहा एक एग्जाम नॉलेज बहुत कुछ होता है, हमने पढ़ा हुआ बहुत कुछ आता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आया, वो आना इम्पोर्टेंट है ना। तो पेपर बहुत इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, हमें हर टाइप से प्रिपेयर होके चलना है। पेपर क्रैक करने की स्ट्रेटेजी यही होती है कि हमें किसी भी टाइप से रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखो मैंने है ना, कुछ चीजें हैं जो मैं इसके साथ साथ बताते चलती हूँ। वैसे मुझे, मेरा मन नहीं करता कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, है ना, ऐसे वीडियो चलते भी बहुत है पर मैं नहीं बनाती अक्सर ऐसे वीडियोज, है ना। तो बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ कि अपनी बॉडी भी एक क्लॉक की तरह काम करती है, घड़ी की तरह, है ना। तो बॉडी का भी एक क्लॉक सिस्टम होता है। जिस दिन अपन जो काम करते हैं, जैसे कहीं बार होता है कि आप किसी का भी इंटरव्यू देख लीजिए जो यूपीएससी तक फाइट करे हुए हैं, वो यही बोलते हैं कि जैसे आप नाइट में पढ़ते हो, यानी नाइट में जगते हो, दिन में आप सोते हो, पेपर तो दिन में होता है, तो उस टाइम आपका फिर दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि उस दिन भी वो सोने की सोचेगा। तो अगर आपका इस टाइप का कुछ रूटीन है तो इस रूटीन को 1 महीने पहले, एग्जाम के 25 अप्रैल को एग्जाम है तो उससे पहले 25 मार्च से पहले पहले ऐसी हरकतें छोड़ दो और अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करें कि मेरा जैसे पेपर, आपका पेपर 10 बजे से है, मींस आप इस टाइप से तैयार हो जाए खुद को। और सुबह उठ के आपको कितनी बजे जाना है, या तो पहले दिन जाओगे आप, या सुबह उठ के आपको, जैसे किसी को सेंटर इतना दूर आया कि 4 बजे उठना पड़ा, तो उससे 15 दिन पहले ऐसी हैबिट बनाओ कि आप 4 बजे ही उठो। मेरा था जयपुर सेंटर था अभी फर्स्ट ग्रेड का, तो मुझे पता था कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो 3 बजे मुझे उठना पड़ेगा उस दिन। तो मैं एग्जाम के 15 दिन पहले से वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, 3 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन मैं फिर वो 3 बजे उठना मेरे को, बॉडी को सूट नहीं करेगा। इस इन चीजों से आपको इससे लगना चाहिए कि जो सफलता यूं ही नहीं मिलती है, हर तरीके से अगर आप प्रिपेयर रहते हो तो फिर इस सफलता कहीं नहीं जाती है ना। तो हर टाइप से अपने को, बॉडी को, माइंड को, सब कुछ को इस तरीके से सेट करना है कि आपको पेपर क्रैक करना है। समझ आ रही है ना बातें। मैंने 3 बजे उठना स्टार्ट कर दिया और कि मेरा पेपर इस टाइम से है, तो मैं माइंड को इस तरह सेट करने लग गई, है ना। तो आपको ऐसा करना है, कोशिश करो कि आप 10 बजे उस टाइम, आपको अभी तो 1 महीने बाद, अब तो 15 दिन बचे तो भी आप कर सकते हो, 15 दिन में भी अपनी बॉडी सेट हो जाती है। लेकिन हाँ, 15 दिन से ऐसे नहीं कि मैं 7-7 दिन में कर लूंगा, नहीं, 15 दिन से एक अच्छी हैबिट, वो उठ आप जाओगे लेकिन एक अच्छी सी हैबिट आपकी बन जाएगी। तो ऐसी चीजें किसी भी टाइप से आपको रिस्क नहीं लेना है, पेपर इजी आ जाए, पेपर हार्ड आ जाए, क्योंकि हमें बार बार पेपर नहीं देना। एक माइंड को आप ये अगर मैसेज दे दोगे ना कि मुझे ये दोबारा रीट का पेपर नहीं देना है, हर हाल में बस ये मेरा लास्ट और फाइनल पेपर है, इसके बाद मुझे रीट का पेपर नहीं देना है, तो माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। और हर तरीके, किसी भी तरीके की रिस्क नहीं लो, किसी भी तरीके की आपको रिस्क नहीं लेनी है, तो एग्जाम कहाँ जाएगा, है ना, क्यों नहीं फाइट कर पाओगे, आराम से फाइट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे ना, इस हर तरीके को एक माइंड में लेके चलोगे ना कि ये रीट है और इसको मेरे को क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोकने वाला है। समझ आ रही है।